कैसे हैं आप? होप करती हैं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सारे अपने कामों में एकदम उनकी तो स्टार्टिंग हो रही है अभी 11 बजे से। और गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, सब कुछ हो गया था सुबह मॉर्निंग पे। और अभी मैं आई अभी आ रही मैं खेत से, मम्मी के साथ गई थी खेत में, वहाँ से आ रही हूँ। और अभी बज गया 11 का, लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। और कल तो हमने लंच नहीं बनाया था क्योंकि हम शादी में वही थे, थे। देवर की शादी है तो हम सब वहीं जा रहे हैं आजकल, क्योंकि कल हल्दी मेहंदी था शाम को और आज शाम को बारात जा रही है। आपको दिखाऊंगी और पूरा अपना ना उत्तराखंड कल्चर दिखाऊंगी कि हमारे वहाँ कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है शादी ब्याह, कैसे सब चीज़ आपको आपके साथ शेयर करूंगी। और और गैस, अभी लंच मैंने बनाया नहीं है, लंच अभी मैं बनाऊंगी। और मेरा ब्लॉग आज बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ ज़्यादा, ब्लॉग मैंने बहुत कम कर हो दिया गया है तो मैं बनाना। अभी लंच बना रही हूँ। 11 बज गया है, 12 बजने वाला है तो मैं लंच बना लेती हूँ पहले। और मौसम तो क्या ही बताएं, देखो इतनी धूप लगी है, बहुत धूप लगी है। और मैं हूँ अपने रूम पे और अभी मैं जाती हूँ और मैंने दाल रखी है, मैं फटाफट से लंच बना लेती हूँ पहले और आपको मौसम दिखाती हूँ। मौसम में पूरी हवा चली आज, हवा ये बहुत हवा चली है, दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा हो रहा है। तो गैस, पूरी हवा चली है आज और पूरा ना मैंने जो नीचे बिछा रखे था सब वहाँ से यहाँ उड़ के आ गए, वो वहाँ से यहाँ उड़ के आ गया और वो डॉगी सो रखा है, बिस्तर पूरा उड़ गया है। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज, हवा भी चली है और धूप, मतलब धूप भी ज़्यादा नहीं लग रही है और हवा चली रही है। देखो, और हमारे पेड़ में ना आम आ गए छोटे छोटे, ये देखो ये, और ये गार्डन और पूरी धूप आ रखी है मस्त वाली। ये देखिए, और गैस दिन हो गया है, लंच बनाने का टाइम हो गया, मैं लंच बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। हमारा डॉगी कैसे सोया है दिखाती हूँ आपको, ये देखो कैसे सोता है उल्टा सर करके, समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे सोया है? देखो फोल्ड होके ऐसे सोया है, इतना भी कर दो कुछ भी बोलो इसके आगे से, राम ही मालिक है। सो गैस, मैं पहुंच गई थी शादी वाले घर पे और ना मुझे वहाँ रेडी करना था सब लोगों को, तो मैं सूट पहन के जल्दी से चलेगी। तो गैस, अभी मैंने सबको रेडी कर दिया है और मैं अभी ना रेडी होने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने पहना सूट और फटाफट से रेडी होने के लिए जा रही हूँ। मैंने उससे थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, बहुत अच्छा था क्योंकि ना सामने सारे मतलब नैनीताल के पहाड़ थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मस्त व्यू था। तो उसके बाद फटाफट से मैं रेडी होने के लिए जा रही थी क्योंकि बहुत सारे रेडी होने के लिए बोल रहे थे कि मुझे रेडी कर दे, मुझे रेडी कर दे। तो मैं फटाफट से अपना रेडी होने के लिए गई क्योंकि बारात जाने वाली थी कुछ टाइम बाद। तो गैस, फाइनली हम बाराती पहुंच गए हैं और मैंने पहन ली थी ये वाली साड़ी, मतलब ये वाली साड़ी। और अभी ना दूल्हा दुल्हन मतलब अभी बैठ गए थे और अभी उनका शादी से चल रहा था। और गैस, 1 बज गया था, फाइनली 1 बज गया था और सब लोग सो गए क्योंकि सबको नींद आ गई है, बाराती में सब लोग सो गए थे और मैं और दीदी लोग दो चार लोग हम उठे पड़े थे, बाकी हम सब लोग सो गए थे। और मैं हम तो देख रहे थे मज़े से शादी क्योंकि शादी देखने वाले भी ज़्यादा लोग नहीं थे, थोड़े दुल्हन के घर वाले थे बाकी हम थे। और मैंने ना फाइनल, देखो मैं आज गैस ऐसे बनी हूँ, कैसे लगे आपको बताना मेरा लुक कैसा लगा साड़ी वाला करके। मैंने सोचा ना शाम की शादी है तो मैं ये वाली साड़ी पहनूँ तो अच्छा लगेगा, तो मैंने ये वाली साड़ी पहन ली अपनी, तो मुझे बहुत पसंद है ये वाली साड़ी। और गैस, फिर हम साड़ी देख रहे थे क्योंकि अभी टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। शादी की, इसके बाद दुल्हन ना अपने आर्टिफिशियल जो अभी तक पहने थे ज्वेलरी जयमाला तक, उसको और चेंज करके जो जो दुल्हन के मम्मी लोगों ने बनाए हैं, पापा लोगों ने जो बनाए होते हैं ज्वेलरी गोल्ड के, उसको और पहनते जो शादी में ना, जो शादी में दुल्हन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जिससे ना रौनक आ जाती है, वो है पिछौड़ा। जो और पिछौड़ा ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है और दुल्हन के लिए तो सबसे ज़्यादा
तो दुल्हन हम लोग जो भी है पूजा पाठ में उसको पहनते हैं पिछोड़े को। तो गाइस दुल्हन तो रेडी हो गई है, रेडी हो गई थी और शादी नॉन स्टॉप चलने लग गई थी दोबारा से। तो गाइस टाइम तो बहुत हो गया था, 3 बज गए थे और हम लोग बैठे थे और हम ना नींद नहीं आएगी करके हम बाहर अंदर घूमने में लगे थे, कभी पानी पीने कभी कुछ, क्योंकि अगर बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। सोए थे पीछे से और सारे टोटल कोई भी नहीं उठा था, सब लोग सो गए थे क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 3 बज गया था। तो 3 बजे तक तो कोई भी नहीं उठ सकता, तो सारे लोग सो गए थे। तो हम बैठे थे, हम घूमने में लगे थे और वीडियो बनाने थे जो लोग सोए थे। और गैस मेरी ना रात की शादी फर्स्ट थी, मुझे बहुत मज़ा आया। तो गैस कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें अपने कामों में। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय।